हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल केएनजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छोटे से पैकेट की अनबॉक्सिंग करेंगे जिसे मेरे दोस्त ने ऑर्डर किया था, जिसमें कि एक बेल्ट है। आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। तो उसने ऑर्डर किया था इसे फ्लिपकार्ट से, और जिस समय ये डिलीवर हुआ उसके घर पर, तो उस समय मैं जो है उसके घर पर ही बैठा हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं अपने यूट्यूब के लिए वीडियो बना लेता हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स को भी पता चले कि किस तरह की इसकी बेल्ट की क्वालिटी है, क्या आप इस तरह का बेल्ट खरीद सकते हैं कि नहीं, या आप भी अगर कम रेंज में कोई बेल्ट खरीदना चाहते हैं डेली यूज़ के लिए तो क्या आप इसे खरीद सकते हैं कि नहीं। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगा इस वीडियो में। और आप दोस्तों देख सकते हैं मैं जो है थोड़ा घर से दूर आ चुका हूँ वीडियो बनाने के लिए। मुझे ऐसे नेचुरल प्लेसेस पर वीडियो बनाना काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा है, पीछे लंबे लंबे नारियल के पेड़ हैं और चारों तरफ जो है खेत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सनसेट होने वाला है, अभी थोड़ा टाइम है सनसेट होने में, तो तब तक जो है हम लोग वीडियो शूट कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे मेरी जो साइकिल है वहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी चैनल की ग्रोथ हो सके और मेरी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए इस वीडियो में आप देखिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है। तो दोस्तों, मैं पूरा वीडियो जो है फ्रंट कैमरे से शूट करने वाला हूँ, तो बैक कैमरे से रियर कैमरे से शूट करने से थोड़ा अंदाज़ा नहीं मिल पाता है क्योंकि ट्राइपॉड नहीं है मेरे पास शूट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहीं पे जो है अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम लोग इस बेल्ट की। तो चलिए जल्दी से मैं इसे बैग से निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं इसी तरह से जनरल वीडियो बनाता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। बैग को इधर रख लेते हैं साइड में, और अगर कोई भी आप चीज़ मुझे बोलना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मैं उसका आंसर दूंगा आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट से ये छोटा सा बॉक्स है, जैसे कि वॉच का कोई बॉक्स आता है, इस तरह से आप देख सकते हैं बेल्ट का बॉक्स है। देखते हैं कैसी इसकी क्वालिटी है। तो जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों भी काफ़ी बुरा लगा होगा क्योंकि नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने में जो मज़ा है, तो उसे अनबॉक्सिंग करने का मौका नहीं मिला और मैं जो है उसे लेकर आ गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल है, तो यहाँ पर प्राइस जो है मैं आपको बता दूँगा। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है बेल्ट का जो बेल्ट देख सकते हैं आप, जोड़ो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरे से इसका जो है मतलब जो है लेटरली ये चेंज हो चुका है इसका इमेज। तो मैं इसका इमेज आपको डाल दूँगा वहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसी इसकी क्वालिटी है। यहाँ पर देख सकते थोड़ा सा क्रैक हो चुका है ये कवर, इसका कार्टून का काफ़ी ज़बरदस्त बॉक्स है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो है बार कोड दिया गया है। देखिए दोस्तों, इस तरह से इस तरह की पैकेजिंग में आता है ये बेल्ट। तो चलिए इसे निकालते हैं, और ये जो है सिंथेटिक लेदर जैसा होता है उस तरह का इसका क्वालिटी है। और दोस्तों देख सकते हैं बेल्ट की जो थिकनेस है या जो विड्थ कह सकते हैं आप जिसे, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, एकदम मीडियम है, जैसे कि 1.5 इंच होगा लगभग ये मेरे हिसाब से। तो इसमें जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैं आपको इसका जो है स्क्रीन शॉट डाल दूँगा, इसका इमेज डाल दूँगा स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बेल्ट, मेरा दोस्त थोड़ा हेवी वेट है तो उसके साइज़ के हिसाब से ये बेल्ट है। आप देख सकते हैं ये जो जनरल जिस तरह का लॉक आता है जो कि स्टैंडर्ड है, काफ़ी बॉकलेस वाला डिज़ाइन अभी बहुत कम ही चलता है, और उसमें बॉकलेस वाला डिज़ाइन में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की, इसका जो कलर है ये दोस्तों ब्लैक कलर का है। आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। तो चलिए इसे इसका जो है कवर इसको खोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ टेप से इसको चिपकाया गया है, और इसका जो है ये कवर आप देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छा साइन कर रहा है, काफ़ी क्रोमियम की काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। और बेल्ट का जो दोस्तों ये जो लॉक है इसका फिनिशिंग जो है काफ़ी अच्छा है। दूसरे बेल्टों में मैंने देखा है जो भी और भी थोड़े सस्ते बेल्ट आते हैं उसका जो फिनिशिंग है वो मतलब फ्रेश नहीं रहता है, मतलब फिनिशिंग स्मूथ नहीं रहता है, इसका जो फिनिशिंग है काफ़ी स्मूथ है। तो काफ़ी अच्छा बेल्ट मेरे दोस्त ने ऑर्डर किया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है बेल्ट का जो ये बेल्ट और लॉक का जो यहाँ पे अटैचमेंट है, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ओपन करने का एक दिया है जैसे कि बॉकलेस वाले में सिस्टम होता है, तो आप आसानी से इसे जो है ओपन करके इस बेल्ट को चेंज कर सकते हैं, बॉकलेस को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने के बाद जब मैं अपने दोस्त के पास गया उसके घर पर इस बेल्ट को देने के लिए, तो उसने बताया कि ये बेल्ट जो है डबल साइड से पहनने वाला है, कॉम्बो साइड है ये, तो इसके लिए आपको बेल्ट को खोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए बस काफ़ी अच्छा फीचर इसमें दिया गया, आपको कुछ नहीं करना है, बेल्ट को पकड़ के इस तरह से
इस तरह से बस चेंज कर देना। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फीचर है इसमें, और इस साइड से भी आप इस बेल्ट को पहन सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो होल है, यहाँ पर देख सकते हैं 6 होल्स दिए गए हैं, और अगर आप चाहें आपके साइज़ के हिसाब से, वेस्ट साइज़ के हिसाब से अगर आप और भी होल्स करना चाहते हैं, तो किसी भी बेल्ट शॉप में जाकर, जो आपके आसपास बेल्ट शॉप है मार्केट में, वहाँ पे जाकर आप जो है इसमें होल पंच करवा सकते हैं, जितने भी आप होल चाहते हैं, जिससे आपको ये फिट आ जाएगा। काफ़ी लंबा बेल्ट है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसकी जो साइज़ है वो लगभग 4 फीट है। ठीक है दोस्तों, मेरे ये चेस्ट तक आ रहा है नीचे से, तो लगभग 4 फीट का है ये, 4 फीट से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो मोटे लोगों के लिए काफ़ी जो है फिट बैठेगा ये बेल्ट, कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं आने वाली है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा क्लोज लुक आप देख लीजिए, तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये आप देख सकते हैं किस तरह की इसकी डिज़ाइनिंग है। पीछे जो है मेरा साइकिल है, तो उसका स्पोक का जो है इसमें परछाई आ रही है। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता था, काफ़ी छोटा वीडियो है और काफ़ी नॉर्मल मैं वीडियोस बनाता हूँ इसी तरह से, क्योंकि मैं जो है कोई भी ज़्यादा तामझाम मेरे पास नहीं है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा इस बेल्ट के बारे में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे मेरे चैनल को ग्रोथ करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।